हेलो दोस्तों, अगर आप अपने लिए या अपने दोस्त के लिए एक ईमेल आईडी या जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में पहले से मौजूद जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। जैसे ही आप जीमेल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में इस तरह का आइकन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे देखोगे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। गूगल का अकाउंट बनाना है, आउटलुक का, या याहू का, या अदर का। तो हमें गूगल का अकाउंट बनाना है, यानी गूगल से ईमेल आईडी बनानी है। तो हम गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अपना पासवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। चलिए हम अपना नाम टाइप कर लेते हैं। हमने अपना नाम टाइप कर लिया है, हम नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे मेल और नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। गूगल हमें दो तरह के ईमेल अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, हम चाहें तो इनको ले सकते हैं और हम अगर चाहें तो अपना क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, हम अपनी तरफ से अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। तो हमारी चॉइस के मुताबिक गूगल ने एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हमसे एक पासवर्ड मांगा जा रहा है, ऐसा पासवर्ड जो मजबूत हो। मान के चलिए एक कोई नाम ले लेते हैं और हम कुछ नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और पासवर्ड कम से कम 8 नंबर का होना चाहिए। यानी अगर हम कुछ लिखते हैं तो 6 अंकों में कुछ लिख दें, 6 लेटर में, और कुछ नंबर डाल दें, तो इस तरह से हमारा पासवर्ड बन जाएगा। तो हमने एक पासवर्ड कॉपी करके रखा तो हमने एक पासवर्ड यहाँ पर कॉपी करके रखा है, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट करते हैं और ऊपर बढ़ाते हैं और यस आई एम इन हम कर देते हैं। तो क्योंकि हमें इसी में इस अकाउंट को लॉगिन करना है, साइन इन करना है, तो हम यस आई एम इन करते हैं। सो इस तरह से दोस्तों हमारी ईमेल आईडी बनकर तैयार हो चुकी है, नेक्स्ट करते हैं और आई एग्री करते हैं। तो हम दोबारा से अपने जीमेल एप्लीकेशन में आ चुके हैं। जो हमने आईडी क्रिएट की थी, जो ईमेल आईडी हमने बनाई थी, अब हम देखते हैं वो कहाँ पर है। तो हम इसी आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि सबसे नीचे हमारी ईमेल आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इस पर क्लिक करेंगे और जो भी काम करना है ईमेल से, ईमेल को कहीं लगाना है, हम लगा सकते हैं। पूरी तरह से तैयार हो चुकी है ईमेल।